हेलो फ्रेंड्स, आज जो रेसिपी मैं लाई हूँ आपके लिए वो है उपमा और चटनी। और ये चटनी मूंगफली या नारियल की नहीं, चना दाल की चटनी है, जिसमें सामान भी कम लगता है और आप इसे आसानी से बना सकते हैं। तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। चना दाल के लिए हम एक काम करेंगे, गैस को ऑन करके हम ये कढ़ाई गर्म करेंगे। कढ़ाई को मैंने पहले हाई फ्लेम पर गर्म किया है और जब ये गर्म हो जाएगी तो हम इसकी फ्लेम लो करेंगे। और ये देखिए, मैंने चाय के कप से एक कप नाप के मैंने इसमें ये चना दाल डाली है और इसको हमें लो से मीडियम पे 2 से 3 मिनट थोड़ा भूनना है ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। और जब तक ये यहाँ पे हम साथ में यहाँ पे करेंगे दूसरी तरफ गर्म पानी जिसमें हम ये दाल भिगोएंगे। आप चाहें तो यहाँ पे जो साबुत वाली चना आती है जिसको लोग ऐसे ही खाते हैं सिंपल छिलके वाली, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसको आपको फ्राई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर अगर आप ये दाल यूज़ कर रहे हैं चना दाल, तो आपको इसको थोड़ा फ्राई करना पड़ेगा। इसको फ्राई होने में 2 से 3 मिनट लगेंगे। देखिए, ये चना दाल फ्राई होते होते इसका ये कलर चेंज हो रहा है, ये हल्का ब्राउन हो रही है। तो हम इसको बस इतना ही भूनेंगे, ज़्यादा नहीं भूनना है वरना ये कड़क हो जाएंगे। इनको अब हम निकाल के गर्म पानी में डाल देते हैं। इसको हम 15 से 20 मिनट गर्म पानी में भिगोए रखेंगे, उतनी देर में हम उपमा की तैयारी करते हैं। तो फ्रेंड्स, उपमा बनाने के लिए यहाँ मैंने लिए हैं 2 प्याज, 2 टमाटर, 2 हरी मिर्च और 1 मीडियम साइज़ का गाजर। तो इनको हम कट कर लेते हैं बारीक। मिर्ची और प्याज हमारी कट चुकी है और ये गाजर, इसको भी हमें बारीक काटना है। तो इसके लिए हम इसे बीच में से कट करेंगे और फिर इसको हम लंबे लंबे ऐसे स्ट्रिप में कट करेंगे पास पास में। और इसके बाद ये देखिए, इसको यहाँ से हम एकदम छोटा छोटा इस तरीके से हमारी जो गाजर है वो छोटी छोटी कट जाएगी। हमारी सब्जियां कट गई है और हम ये गरम कढ़ाई में अब डालेंगे थोड़ी सी मूंगफली। मूंगफली हम इस हिसाब से डालेंगे कि हम थोड़ा सा कूट के उपमा में डालें और थोड़ा सा चटनी में। इसको अब हम भून लेंगे। इसको हमें बिना किसी तेल डाले भूनना है। इसको हम मीडियम आंच करते हैं और इसको फ्राई करते हैं। हमारी मूंगफली भून चुकी है तो इसको मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। अब इस कढ़ाई में हम डालेंगे तेल। यहाँ मैंने बस 2 चम्मच तेल लिया है। ये तेल जब गर्म हो जाएगा तो इसमें हम लगाएंगे तड़का। हमारा तेल गर्म हो गया है तो मैं इसमें अब डालती हूँ राई। यहाँ मैंने डाली है राई, थोड़ी सी चना और उड़द दाल और कुछ कड़ी पत्ता। इनको हम धीमी आंच पे थोड़ा सा भूनते हैं। इसके बाद हम इसमें डालेंगे हमारा प्याज और मिर्ची। अभी गैस की फ्लेम हम हाई कर सकते हैं। दो
दो मिनट प्याज भूनने के बाद हम साथ में इसमें डालेंगे गाजर, ताकि प्याज और गाजर एक साथ ही भून जाए। तो अब मैं इसमें गाजर भी डाल देती हूँ। प्याज और गाजर हमारी भून गई है, अब मैं इसमें डालती हूँ टमाटर। टमाटर को हमें अच्छे से गलने तक पकाना है। मेरे टमाटर यहाँ गल के तैयार हो गए। अब मैं इसमें थोड़े मसाले डालती हूँ। उपमा में हम हल्दी नहीं डालेंगे और हम डालेंगे थोड़ा सा धनिया पाउडर और बहुत थोड़ा सा गरम मसाला। और इसको भूनने के बाद इसमें मैं डालूंगी पानी। जब तक ये पानी खौल रहा है हम चटनी तैयार कर लेते हैं जो हमारी बची हुई है। देखिए मैंने जो चने गर्म पानी में भिगोए थे और वो दाल भी थोड़ी सी फूल चुकी है, तो इसको अब हम मिक्सी में डाल के पीसेंगे। तो इसके लिए हम मिक्सी में क्या क्या डालेंगे, ये जार लिया है मैंने, इस जार में मैं ये दाल डाल दूँगी। इस दाल का बचा पानी हम अभी नहीं डालेंगे, अगर हमें ज़रूरत लगी तो हम इसको बाद में डालेंगे। इसमें मैं डालूँगी दो मिर्ची, थोड़ी सी लहसुन की कलियाँ मैंने छील ली है, ये लहसुन की कलियाँ, और हमने जो मूंगफली भूनी थी वो थोड़ी सी मूंगफली में चटनी में डालूँगी। और बाकी को हम थोड़ा सा कूट लेंगे उपमा में डालने के लिए। नमक हम बाद में डालेंगे पीस जाने के बाद। इसमें मैं डालूंगी एक चम्मच दही, दो चम्मच। पहले हम इसको पीस के देख लेते हैं, फिर अगर हमें ज़रूरत लगी तो फिर हम इसमें पानी या दही डालेंगे। चटनी अभी ये ठीक से पिसी नहीं है, इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा दही और थोड़ा पानी। अब हम इसको एकदम बारीक अच्छा पीस लेंगे ताकि दाल अच्छे से सारी पीस जाए। देखिए हमारी दाल अब अच्छे से पीस गई है और मूंगफली। इसमें मैं डालूंगी नमक। नमक हम इसे कटोरी में निकाल के भी मिला सकते हैं, पर आप इसे एक बार जार में चला लेंगे तो ये अच्छे से मिक्स हो जाएगी। मेरी उपमा की चटनी बनके तैयार है। आप इसको अपने हिसाब से पतला या गाढ़ा रख सकते हैं, आप चाहे तो इसको थोड़ा और पतला कर सकते हैं। और हम इसमें तड़का नहीं लगाएंगे क्योंकि ऐसे ही खाने में बहुत टेस्टी लग रही है और हमने उपमा में सारा तड़का डाला ही है। तो आइए हमारा पानी उबल गया होगा, अब हम उपमा बना लेते हैं। हमारे उपमा का पानी भी खोल गया, इसमें हम डालते हैं नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालिए। कटा हुआ धनिया पत्ता, और अभी हम आधा नींबू। हम यहाँ पूरा नींबू निचोड़ देंगे, ऊपर थोड़ा खट्टा अच्छा लगता है। और अब हम गैस पे इसे लो करके इसमें हम डालेंगे हमारी भुनी हुई सूजी। सूजी को मैंने हल्का भून लिया है और इसको हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे और साथ में हिलाते रहेंगे। अगर हम नहीं डालेंगे तो इसमें गुठलियाँ पड़ जाएंगी।
गैस ऑफ करके अब हम इसको थोड़ी देर ढक के रख देंगे ताकि जो सूजी है वो आगे और फूल जाएगी। उसके बाद हम इसकी प्लेटिंग करेंगे थोड़ी देर में। तो देखिए ये दो मिनट छोड़ने के बाद हमारे उपमा बहुत खिले खिले अच्छे बन रहे हैं, ये आपस में ज़्यादा चिपके नहीं है। और ये है हमारी उपमा और चटनी की सर्विंग। इसको जब ट्राई करें तो ज़रूर मेरे साथ अपना